स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट साझा करेंगे। अपडेट क्या है आप सभी स्क्रीन पर देख लें कि शिक्षा मित्र को 50 लाख आर्थिक मदद व सरकारी नौकरी देगी सरकार। आखिर क्या ये पूरी अपडेट है, किन्हें 50 लाख आर्थिक मदद दिया जाएगा, ये सारी अपडेट आपके साथ आगे वीडियो में साझा करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अपडेट खुलकर आ चुकी है, आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक नोट दिख रहा होगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये जो खबर है बिजनौर से निकल कर आई है कि शिक्षा मित्र शिक्षक संघ जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश। अब यहाँ देख लें कि शिक्षा मित्र शिक्षक संघ जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल बिजनौर सदर विधायक माननीय श्रीमती सुचि मौसम चौधरी जी के पति एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सदर बिजनौर से प्रदेश उप महामंत्री सुचित मलिक के नेतृत्व में उनके आवास बिजनौर मिला तथा शिक्षा मित्रों की मुख्य मांगों जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अध्यापक योग्यता रखने वाले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने से सभी शिक्षा मित्रों को नियत वेतनमान देने, महिला शिक्षा मित्रों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने, मूल विद्यालय वापसी का आदेश जारी करने, शिक्षा मित्र कौशल सिंह के परिवार को 50 लाख आर्थिक सहायता करने व पति को व पत्नी को आश्रित कोटे के तहत नौकरी देने आदि के संबंध में एक मांग पत्र माननीय विधायक प्रतिनिधि मौसम चौधरी जी तक दिया। साथियों यही इतनी अपडेट थी। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में कुछ घटनाएं आप सभी के शिक्षा मित्र समाज में घटित हुई हैं, जहां पर आप सभी ने एक घटना देखी होगी, कौशल सिंह जी की घटना, जिसके ऊपर ये सारा विवाद इस समय चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है, जहां पर मांगे की जा रही है। पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी ये मांगे की गई कि 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता व एक नौकरी दी जाए। अब यहां पर संगठनों के द्वारा प्रयास जारी है, हो सकता है कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई बयान देखने को मिले। साथ ही यही इतनी अपडेट थी। अपडेट आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।